नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते, मैं हूँ आपके साथ लक्ष्मी। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दो गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। तीन राज्य में वांटेड थे गिरफ्तार दोनों आरोपी। आपको बता दें कि हरियाणा, राजस्थान और यूपी पुलिस को तलाश थी। तो गिरफ्तार शूटर की पहचान राजस्थान के सुनील करोलिया और शाहनवाज शाहिल के रूप में हुई है। दोनों से पूछताछ चल रही है और दोनों पर कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर है, जहां दो गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है। प्रियांक सौरभ हमारे साथ संवाददाता है। प्रियांक, क्या खबर इन दोनों के बारे में, पूछताछ में अब तक क्या खुलासा? अब तक पुलिस ने पूछताछ की है और सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर दोनों की पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक क्या कुछ बातें जो है निकलकर सामने आई है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। पुलिस काफी गोपनीयता बरत रही है। हालांकि जो बड़ी खबर ये है कि मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बॉर्डर पे जो रून्नी सैदपुर इलाका है, वहां से दोनों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों शूटर हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ी उपलब्धि मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए जरूर है। और दोनों की पहचान जो है, एक सुनील करोलिया और शाहनवाज साहिल, दोनों पर कई गंभीर मामले जो है वह दर्ज हैं और दोनों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में वांटेड रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। चलिए, शुक्रिया प्रियांक इस अपडेट के लिए आपका। बांका से बड़ी खबर, सीएसपी संचालक से लूट का मामला। 104,000 की लूट हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो अमरेंद्र कुमार सिंह से लूट की घटना हुई है। रचौन के उड़हरा मोड़ के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो सीएसपी संचालक निशाने पर अपराधियों के 104,000 की लूट। सीएसपी संचालक से बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर थे। 5 दिन में दूसरी बार बिहार आए पीएम ने बेतिया में अरबों की विकास योजनाओं की सौगात दी। तो वहीं लालू प्रसाद की ओर से पीएम के परिवार नहीं होने को लेकर भी लालू फैमिली पर जोरदार प्रहार किया और अपने भाषण में 3 बार जंगल राज शब्द का प्रयोग करके पीएम ने चुनाव से पहले विरोधियों को आईना दिखाने की पूरी कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए। मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी बार बार गारंटी शब्द का जिक्र अपने संबोधन में करते हैं। 5 दिन के भीतर बिहार में दूसरी बार दौरे पर आए पीएम ने एक बार फिर दावा किया कि इस बार का लोकसभा चुनाव सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पीएम मोदी ने चंपारण की धरती से 12,800 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी बेतिया से हुंकार भर रहे थे तो उनके निशाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ही रहे। पीएम अपने भाषण में 3 बार जंगल राज की बात कहकर लालू फैमिली पर जोरदार प्रहार किया। लालू प्रसाद के परिवार वाले प्रहार पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार के नौजवान जंगल राज लाने वाले परिवार को माफ नहीं करेगा। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर निशाना बार बार लालू परिवार पर ही साधा। कहा, बिहार में एक ही परिवार फलता फूलता रहा, एक ही फैमिली का विकास होता रहा। दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहाँ एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को
माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। लोगों को विश्वास जता रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। अब मोदी पर जनता का भरोसा ही तय करेगा कि पीएम मोदी की गारंटी सियासी समीकरण को कितना साथ पाती है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से शैलेंद्र की रिपोर्ट।